दुर्ग के पोटिया चौक पर इन दिनों वाहनों की ज्यादा आवाजाही होने के साथ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र की संभावना के चलते दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर निगम ने अवैध कब्जेधारियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 42 अवैध कब्जा खाली कराया गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर सोमवार को दुर्ग के पोटिया चौक पर अवैध रूप से काबिज दुकानों गुमटी ठेलों पर कार्रवाई करते हुए निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं एडीएम हरिवंश सिंह मेरी टीम के साथ उपस्थित रहे और पोटिया चौक से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और निगम अधिकारियों को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। बता दें, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पोटिया चौक से पुलगांव जाने वाले मार्ग पर इन दिनों हल्के वाहनों के साथ ही भारी वाहनों की भी काफी आवाजाही बढ़ गई है। आसपास घनी आबादी है, जिसे सड़क किनारे ठेले खोमचे सहित बांस बल्ली के छप्परों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जहां आज भवन अधिकारी गिरीश दीवान, राजस्व व अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, नायब तहसीलदार पुलगांव टीआई पुष्पेंद्र भट्ट, यातायात टीआई यशकरण ध्रुव सहित अन्य विभागों की मौजूदगी में पोटिया कला चौक में शासकीय हॉस्पिटल के पास पोटिया चौक क्षेत्र व शराब भट्टी सहित सड़क किनारे लगभग 42 अतिक्रमण ठेले हटाए गए। आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। साथ ही कुछ दुकान के बाहर दुकानदारों द्वारा टीन शेड स्वयं हटा लेने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी गई। इस दौरान दुर्ग निगम ने रोड किनारे चौक चौराहों पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों से अपील की कि वे अपना सामान हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा सामान हटाने के साथ साथ सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। चौक पे लगातार हादसों की खबर मिल रही थी और एक प्रकार से ब्लैक स्पॉट के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ पे अवैध रूप से जो अतिक्रमित करके लोग दुकान चला रहे थे उनके विरुद्ध आज कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम के साथ पुलिस प्रशासन भी थी और राजस्व विभाग भी साथ में थी और लगभग 30 से 40 अतिक्रमण को वहाँ पे हटाने की कार्रवाई की गई। जब निगम क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए लगातार बीच बीच में इस तरह के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सतत रूप से करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। जहाँ जहाँ पे शिकायत मिल रही है और जहाँ जहाँ यातायात प्रभावित हो रहा है वहाँ पे निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मिनी मियाता चौक पे भी किए थे, बीच में हमने पटेल चौक पे भी किया था, जी रोड पे भी किया था, इस तरह से कातुल बोर्ड में भी किया गया, तो ये लगातार चल रही है और आगे भी अगर लगेगा कि कहाँ यहाँ पे बल्क में अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है या फिर कुछ लोग को हटाने की आवश्यकता है तो अपन कार्रवाई करेंगे। कुछ जगह पे खबर ये भी मिली है कि पुराने वाहन और आपके कंडम वाहन खड़े रहते हैं, उसके कारण भी यातायात प्रभावित होती है, तो यातायात वालों के साथ मिलकर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।